हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों ये महिंद्रा थार है और इसके अंदर एक दिक्कत है, शायद आप भी या हर किसी महिंद्रा गाड़ी में होती है तो आप भी फेस करते होगे। जैसे गाड़ी को आप स्विच ऑफ करते हो और अगर नेक्स्ट डे जैसे आप गाड़ी को ऑन करते हो, जैसे आपने ऑन की गाड़ी तो ये एएम पे आ जाती है और ये इरीटेटिंग साउंड क्रिएट करती है। तो इसके सोल्यूशन मेरे पास है, हालांकि सोल्यूशन इतना बेहतरीन तो नहीं है पर उसका थोड़ा सा मतलब अगर आप समझो तो कहीं ना कहीं काम करेगा आपके लिए भी। जैसे मान लो बाई चांस आप ब्लूटूथ पे हो, अभी जैसे ब्लूटूथ ऑडियो पे है मेरी जो सेटिंग है बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने भी मेरा फ़ोन कनेक्टेड है और मैंने ऑफ कर दिया। अब दोबारा जैसे मैं ऑन करूँगा ना तो ये इस पर एएम पे आ जाता है अपने आप। तो आपके साथ सेम प्रॉब्लम होगी। तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, आपको गाड़ी जब ऑफ करनी है ना वो एफएम पे करके छोड़नी है। एफएम में छोड़ दिया आपने, अब बंद करूँगा, बंद कर दी गाड़ी। अब दोबारा जैसे इसका इग्निशन ऑन करेंगे तो एफएम से ही चालू होगी। काम कर रहे हैं तो ये एक सिंपल सॉल्यूशन है। अगर आपने जैसे एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले से मेरे फ़ोन है इसके साथ अगर मैं कनेक्ट करूँगा अपनी यूएसबी से, जैसे यूएसबी केबल है, तो एंड्रॉयड ऑटो से आप गाड़ी को स्विच ऑफ कर दोगे, यहाँ से जाके आप डायरेक्ट स्विच ऑफ कर दोगे गाड़ी को, और दोबारा जैसे अगर स्विच ऑन करोगे तो एएम पे चलेगा और वो बिल्कुल ही इरीटेटिंग साउंड बनाता है। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन दोस्तों यही है कि आपको गाड़ी पे जब भी स्विच ऑफ करनी है तो एएफएम पे जाके करनी है। तो दोबारा आप ऑन करोगे ना तो गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट एफएम पे ही ऑन होगी। तो ये एक सिंपल सॉल्यूशन है और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। वरना अगर आप जैसे ब्लूटूथ पे अगर दोबारा दिखाता हूँ, अभी कनेक्ट हुआ नहीं है ब्लूटूथ शायद, ब्लूटूथ महिंद्रा कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट हो गया। तो अभी जैसे जाऊँगा मैं ब्लूटूथ पे, फिर ब्लूटूथ आ गया यहाँ पे और इसको मैं ऑफ़ करूँगा और दोबारा ये चली जाएगी एएम पे। वाइट देखो आप, बी एड ब्लूटूथ डिसकनेक्टेड हो गया और एएम पे आ गया। तो इसका सिंपल सोल्यूशन यही है दोस्तों। तो यही सब था वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन हो इस तरह का तो क्वेश्चन जरूर पूछना, उसका आंसर करने की जरूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।